देवप्रयाग में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन देवप्रयाग संगम पर गिरते गिरते बचे हैं। साथ में मौजूद सीओ नरेंद्र नगर प्रमोद शाह ने अपनी सूझबूझ से उन्हें पकड़ा और चीफ जस्टिस को गिरने से बचाया है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है चीफ जस्टिस का फिसला पैर, देवप्रयाग से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौके पर मौजूद, सीओ ने चीफ जस्टिस को बचाया बड़ी सूझबूझ के साथ। दरअसल चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे। उन्होंने संगम पर जाकर दर्शन करने की इच्छा जाहिर की और उसी दौरान ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां उनका पैर फिसला। सीओ प्रमोद शाह ने बताया कि उन्होंने उनको मना किया था, लेकिन फिर भी इच्छा थी उनकी वहां पर जाने की और इच्छा जाहिर की तो वो गए और इसी दौरान फिसलन ज़्यादा थी, पैर फिसला। पूरी सतर्कता के साथ उनके पीछे वो खड़े रहे। देखिए तस्वीर, देखिए ये वो तस्वीर है जब उनका पैर फिसला और ये देखिए ये वो तस्वीर है। जस्टिस ने इच्छा जाहिर की। अजीत कांबो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी अजीत। चीफ जस्टिस का पैर फिसला और सूझबूझ के साथ उन्हें पकड़ा, उनके अगल बगल जितने सीओ साहब थे, सुरक्षाकर्मी थे, तस्वीर क्या कह रही है? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन अपने परिवार के साथ गढ़वाल की तरफ दौरे पर हैं और इसी कड़ी में उन्होंने देवप्रयाग संगम स्थल पर स्थित रघुनाथ मंदिर के दर्शन की इच्छा भी जताई थी और मंदिर के दर्शन करने के बाद संगम, जहां से मेन जो गंगा की अगर बात की जाए तो तीन नदियों का संगम है और यहीं से गंगा नदी आरंभ होती है, तो गंगा के संगम स्थल पर चीफ जस्टिस ने एक स्नान कहें या सीधे पंच स्नान की बात कहें वो करने की इच्छा जताई। हालांकि जो सीओ नरेंद्र नगर है उन्होंने पहले ही सचेत किया था कि घाट पर काई काफी ज्यादा है, फिसलन काफी हो रखी है, तो आप वहां पर ना जाएं, लेकिन एक इच्छा थी चीफ जस्टिस की जिसको पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ माना और जिस तरह की घटना यह घटी है अगर हल्की भी लापरवाही होती तो कोई बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती थी, लेकिन जो सीओ नरेंद्र नगर है प्रमोद शाह तरह से सतर्क थे और ठीक चीफ जस्टिस के पीछे ही मौजूद थे और जैसे ही काई पर पैर फिसलता है चीफ जस्टिस का उन्होंने तुरंत संभालने का काम किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की सतर्कता यहाँ पर काम आई और जिस चीफ जस्टिस को संभाला है कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी लेकिन पुलिस अलर्ट थी और उनको एकदम से संभाला गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस जानकारी के लिए।